हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं। तो मैं चैप्टर वाइज चैप्टर कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और चार्ज एक पार्टिकल से दूसरे एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। फिर आता है क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, जहाँ पे क्यू रिप्रेजेंट करता है चार्ज को। एन होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, एंड ई है इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। तो इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विद वूल, अ चार्ज ऑफ -2×10⁻¹⁷ कूलम इज डेवलप्ड ऑन पॉलीथीन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफर टू द पॉलीथीन। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। तो हमें क्यू दिया हुआ है और ई हमें पहले से पता है, तो हम नंबर निकालेंगे क्यू इज इक्वल्स टू एन ई से। तो एन इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ई, इसमें वैल्यू रखेंगे तो एन की वैल्यू आएगी 1.25×10⁻¹२। अब हमें निकालना है मास, मास ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन का मास और जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफ़र हुए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11.38×10⁻¹⁹ kg। ये हो गया आपका मास जो कि ट्रांसफ़र हुआ है। फिर हम आते हैं कूलॉम्स लॉ पे। तो इसका फॉर्मूला है k इज इक्वल्स टू 1/4πε₀×Q1Q2/r². फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू F/Q0, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि KQ/r², और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो KQ/r³। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन्स जो होती हैं उसमें एंटर करती हैं। फिर हम बात करते हैं गॉस थ्योरम की। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ E.ds इज इक्वल्स टू Q/ε₀। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन Q0। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू KP/r², और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है ज़ीरो। तो देखिए, बस मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अगर नॉर्मल आएंगे तो आप इतना कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। तो इज इक्वल्स टू 2KP/r³, और इक्वेटोरियल पोजिशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू KP/r³। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो जो आपका कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टर का, सीरीज कॉम्बिनेशन, उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू R1+R2+R3। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1+1/R2+1/R3। तो हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका ये डायग्राम दिया हुआ है, पहला रेजिस्टेंस है 1 ओम का, दूसरा है 2 ओम का, और तीसरा है 3 ओम का, और आपसे इसमें करंट पूछा जा रहा है। वोल्टेज आपका दिया है 30 वोल्ट का। तो आपका जो ओम्स का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR, तो इससे हम पहले करंट निकालेंगे। तो ये जो आपका जितने भी रजिस्टर हैं वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होता है R इज इक्वल्स टू R1+R2+R3। तो सिंपली इनको ऐड करना है, तो 3+2+1 इज इक्वल्स टू 6 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 6 ओम,
और वोल्टेज दिया हुआ है, तो I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। फिर आपसे बल्ब वाले कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, तो इसमें आपका फॉर्मूला ना उल्टा हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी 1 प्लस 1 अपॉन पी 2, और इसमें जो आपका जो सबसे ज़्यादा पावर वाला बल्ब होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो सबसे कम जलता है, सबसे लाइट जलता है। इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स में पी टोटल इज इक्वल टू पी 1 प्लस पी 2। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। फिर हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, तो इसका दो तीन फॉर्मूले हैं, मतलब कन्वर्ट करके हम लिखते हैं। यू इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टू सी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ क्यू इंटू वी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की, तो हमने रेजिस्टेंस का और बल्ब का देखा है, तो अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। तो इसमें जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो भी बल्ब की तरह ही होता है, 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी 2 प्लस 1 अपॉन सी 3। और जो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल्स टू सी 1 प्लस सी 2 प्लस सी 3। तो जैसे मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, तो इसी तरह कैपेसिटेंस के बारे में भी आएगा, तो आप इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द इफेक्टिव कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स शोन इन फिगर। तो ये डायग्राम आपका दिया हुआ है, इसमें ए और बी पॉइंट के बीच में आपको कैपेसिटी निकालनी है। तो जो सबसे पहला कैपेसिटर दिया हुआ है 3 माइक्रोफेरेड का और दूसरा 6 माइक्रोफेरेड का, और नीचे दिया हुआ है 2 माइक्रोफेरेड का और दूसरा भी 2 माइक्रोफेरेड का है। तो ऊपर वाले और नीचे वाले आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस के लिए 1 अपॉन सी 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी 2 सी 1 प्लस 1 अपॉन सी 2। तो इसमें हम जब वैल्यू रखेंगे तो C1 की वैल्यू आएगी 2 माइक्रोफेरेड, और इसी तरह हम C2 की भी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी आएगी 1 माइक्रोफेरेड। उसके बाद जो कैपेसिटेंस निकली है वो आपका आ जाएगा, सीरीज़ में हो जाएंगे, फिर सीरीज़ में फॉर्मूला होता है, सॉरी ये दोनों फिर आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, और पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल्स टू सी 1 प्लस सी 2। तो सी 1 की वैल्यू आपकी आई है 2 माइक्रोफेरेड और सी 2 की जो वैल्यू आई है वो है 1 माइक्रोफेरेड, तो हम इसको नॉर्मली ऐड कर देंगे तो आपकी जो टोटल कैपेसिटी आ जाएगी वो हो जाएगी 3 माइक्रोफेरेड। अगला चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। हम बात करते हैं बायो सेवर्ट्स लॉ की, तो इसका फॉर्मूला है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड, तो ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन हर बार आते हैं, तो इसका फॉर्मूला है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, और जिसमें एन होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। फिर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की, अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच, द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर, इफ द करंट कैरीड इज 8 एम्पियर एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, तो हमें एन की वैल्यू जो दी हुई है वो है 400, और जो पूरी लेंथ दी हुई है वो है 5 लेयर्स, तो कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 2000। अब इस फॉर्मूले में हम
म्यू नॉट और एन आई की वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 8π × 10⁻³ टेस्ला। फिर हम बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका जो फार्मूला निकल के आता है वो होता है F=Q(V×B)। फिर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है BH=B cos θ, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है BV=B sin θ। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और उनकी प्रॉपर्टीज़ की, तो सबसे पहला है डायमैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक। तो जो डायमैग्नेटिक होता है, जो उसमें मैग्नेटाइजेशन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, पैरामैग्नेटिक में सेम डायरेक्शन में होता है, और जो फेरोमैग्नेटिक में होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है वो भी सेम डायरेक्शन में। फिर एक क्वेश्चन है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इज, तो इसका आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉज ऑफ डायमैग्नेटिज्म इज, तो इसका आंसर है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, तो इसका जवाब है 0। अब हम बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है E=−dΦ/dt। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, तो इसका जो सीरीज फॉर्म होता है वो होता है L=L1+L2, और जो इसका पैरेलल फॉर्म होता है वो होता है 1/L=1/L1+1/L2। फिर हम बात करते हैं RMS वैल्यू की, तो अगर आपको किसी भी चीज़ की पीक वैल्यू दी है और उससे आपको RMS वैल्यू पूछी जा रही है, तो उसका फॉर्मूला होता है RMS=peak value/√2। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो इसके कुछ लॉज होते हैं, जैसे कि जो इसका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो इसका नॉर्मल होता है वो एक ही प्लेन पर होता है, और दूसरा इसका रूल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर हम बात करते हैं किरचॉफ लॉ की, तो इसके दो लॉ हैं, जो फर्स्ट लॉ है उसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ किस बेसिस पे काम करता है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे काम करता है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड लॉ, इसको हम लूप लॉ भी कहते हैं, और ये जो सेकेंड लॉ होता है वो बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर अ मिरर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/F=1/U+1/V। इसमें कुछ साइन कन्वर्जन भी दिया हुआ है, जैसे कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो उसमें जो U होगा वो नेगेटिव में होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो U को हम पॉजिटिव मिलेंगे, रियल इमेज है तो V की वैल्यू नेगेटिव होगी और वर्चुअल इमेज है तो V की वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगे। बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की मिरर की, तो M=H1/H0, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट −V/U। फिर है पावर ऑफ मिरर, तो पावर ऑफ मिरर −1/F, और F में जो आपका F है वो है मीटर में, इसी को हम लिख सकते हैं −100/F, और जिसमें F है वो है सेंटीमीटर में। फिर है आपका क्रिटिकल एंगल, तो इसका जो फॉर्मूला होता है −sin θ = μr/μd। इसमें जो म्यू आर है वो है आपका रेयर जो मीडियम होता है, और म्यू डी जो है वो है डेंस मीडियम में। अब हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, तो सबसे पहला है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, तो ये जो होता है स्पार्किंग ऑफ डायमंड वो होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन से। दूसरा है मिरर फॉर्मेशन, तो और ऑप्टिकल फाइबर
तो ये भी होता है आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन से। अब हम बात करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस के लिए होता है 1/V - 1/U = 1/F। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर ऑब्जेक्ट और इमेज इन केस ऑफ लेंस। तो जो रियल ऑब्जेक्ट होता है उसका जो यू होता है हम लेते हैं नेगेटिव में, रियल इमेज का जो वी होता है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है उसका यू हम लेते हैं पॉजिटिव, और जो वर्चुअल इमेज होती है उसका वी हम लेते हैं नेगेटिव। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन। अ मैग्नीफाइंग लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 cm, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इफ द इमेज इज़ टू बी 30 cm अवे फ्रॉम द लेंस। तो आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 cm, और ये है इमेज आपका बन रहा है 30 cm पे, तो वी की वैल्यू हो गई -30 cm, और यू की वैल्यू आपको निकालनी है। तो नॉर्मली जो फार्मूला होता है 1/V - 1/U = 1/F, तो इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो इसमें यू की वैल्यू आएगी -7.5 cm। अब हम कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं। तो पहला है रेनबो। तो ये जो फिनोमेना होता है वो होता है डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट की वजह से। दूसरा है ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो ये होता है स्कैटरिंग की वजह से, जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्कैटरिंग की, जब उसमें लाइट पड़ती है तो वे स्कैटर हो जाते हैं और वो ब्लू कलर के दिखते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की। तो एक होता है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। तो नॉर्मली इसमें आपको एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखना है। तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है A maximum = A1 + A2, और इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है I1 + I2 + 2√I1√I2। इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड होता है मिनिमम A1 - A2, और I मिनिमम होता है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। अब हम इंटरफेरेंस के कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। तो सबसे पहला है थिन लेयर ऑफ ऑयल ऑन वाटर एंड सोप बबल्स सो डिफरेंट कलर्स ड्यू टू इंटरफेरेंस। फिर आते हैं हम क्वांटम थ्योरी पे। तो इसमें पूछा जाता है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है E = h𝛎। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E = hc/λ, जिसमें c की वैल्यू आपको पहले से पता होती है 3 = 10⁸। फिर पूछा जाता है कि जो फोटो सेल होता है वो किस फिनोमेना पे वर्क करता है। तो जो फोटो सेल होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर वर्क करता है। फिर हम बात करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वेवलेंथ निकालने का, λ = h/p, और p = mv होता है तो h/mv, और जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है h/√2mq·v। अब हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। तो इसका फॉर्मूला होता है ∆Eb = ∆m·c². फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें हम कौन से कूलेंट का यूज़ करते हैं। तो उसमें हम D2O यानी कि जो हैवी वाटर होता है, CO2, इन सब का यूज़ करते हैं। फिर आपसे डीके का फॉर्मूला पूछा जाता है डीके का। तो N = N₀e−λt। तो बस आपको फॉर्मूला देखना है, इस पर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। विच रेज कंटेन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो इसका जवाब है अल्फा रेज। दूसरा क्वेश्चन है विच वन मूव्स विद ग्रेटेस्ट स्पीड। तो इसका जवाब है गामा रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड।
तो जो आपकी बीटा रेज होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं। फिर जो आपका हाइड्रोजन एटम होता है उसमें डिफरेंट सीरीज होती हैं, तो उसके हम वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, 1/λ = R, 1/N1² - 1/N2². पहली सीरीज होती है आपकी लाइमन सीरीज, दूसरी होती है बामर, तीसरी होती है पाश्चन, चौथी है ब्रैकेट और पांचवी है फंड। तो इसमें से आप अगर लाइमन सीरीज है तो N1 की वैल्यू होगी 1, बामर है तो 2 और पाश्चन है 3, ऐसे ही सबकी होगी। और N2 की वैल्यू वो आप इन्फिनिटी से देखिए आती है, तो वो पूछेंगे ग्राउंड लेवल में है या फिर एक्साइटेड लेवल में है, तो N2 की वैल्यू आप उस हिसाब से लिखेंगे। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ब्रैकेट सीरीज है तो इसमें N1 की वैल्यू आपकी होती है 4 और N2 की वैल्यू होती है, अगर कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब वो N2 की वैल्यू है 5। तो 1/λ = R, 1/N1 की जगह 4 लिखेंगे और N2 की जगह 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो इसमें पहला तो होता है N टाइप, दूसरा होता है P टाइप। तो जो N टाइप होता है ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, मतलब जिसमें डोपिंग की जाती है। तो जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इसको हम N टाइप कहते हैं, और जब हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इसको हम P टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसके बाद ये आपका एक सिंबल दिया हुआ है, तो अगर इस सिंबल ये सिंबल अगर एग्ज़ाम में आता और पूछा जाता है ये किस चीज़ का है, तो ये है PN जंक्शन डायोड का। अब फाइनल हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स की, तो सबसे पहले आपका OR गेट, तो ये जो सिंबल बना है ये है OR गेट का, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Y = A + B, और ये टेबल दी हुई है आपकी। दूसरा है AND गेट, तो ये जो सिंबल है वो है AND गेट का, और जो इसका फॉर्मूला होता है Y = A * B, और ये उसकी टेबल है। तीसरा है NOT गेट, तो ये जो सिंबल दिया हुआ है वो है NOT गेट का, और ये जो ट्रुथ टेबल आपकी दी हुई है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के जो कॉन्वेक्स जो मिरर से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले मान लो कि अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर है और उसमें कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो उसका आपको वी निकालना है, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी। तो फॉर्मूला है 1/F = 1/U + 1/V, और जो कॉन्वेक्स मिरर का जो यू होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो विद साइन इसको रखना है, तो 1/15 = 1/-10 + 1/V, इससे हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा +6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो मान लो कोई क्वेश्चन है कि एक कॉनकेव मिरर है और जो उसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और जो उसका फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा। तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी जो सारे साइन होते हैं वो माइनस में होते हैं, तो इसमें भी साइन का आपको ध्यान देना है। उसी फॉर्मूले में रखेंगे 1/-10 = 1/-15 + 1/V, इससे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 30 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछा जाता है कि R और F में रिलेशन क्या होता है, तो R = 2F, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F = R/2। एक क्वेश्चन है कि हेड मिरर यूज्ड बाय ENT डॉक्टर, तो इसका आंसर है कॉनकेव। द मिरर यूज्ड फॉर द हेड लाइट ऑफ अ कार इज, तो ये भी है कॉनकेव। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।